वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बी ए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का आज के इस पेपर फर्स्ट के वीडियो लेक्चर में वेलकम है। कल हमने व्यवस्थापिका पर चर्चा की थी। व्यवस्थापिका क्या है, व्यवस्थापिका की परिभाषा और व्यवस्थापिका को किन किन नामों से जाना जाता है। आज हम व्यवस्थापिका के कार्य के बिंदुओं के अनुसार उस पर चर्चा करेंगे। जो व्यवस्थापिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है कानून का निर्माण। कानून का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। व्यवस्थापिका को जनमत का दर्पण कहा जाता है। व्यवस्थापिका से यहाँ हमारा तात्पर्य लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों से मुख्य रूप से होता है, जिस पर चर्चा हम फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं। इस पे गलती से लिख गया व्यवस्थापिता, व्यवस्थापिका आप इसे पढ़ें। जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो जनता की भावनाओं, आशाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप कानून का निर्माण करते हैं। प्रत्येक देश की व्यवस्थापिका देश में प्रचलित विधि निर्माण प्रक्रिया के अनुसार कानून निर्माण करती है। सभी लोकतंत्रीय देशों में नई विधि बनाने के प्रारूप या विधेयक कार्यपालिका द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है और संसद का यह एकाधिकार है कि वह उस विधेयक को स्वीकृत करे या ना करे। व्यवस्थापिका का यह दायित्व होता है कि वह समाज की परिवर्तनशील अवस्थाओं के अनुरूप और नई सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल पुराने कानूनों में जो गलत है, जो पुराने हो गए हैं, उन पर उनके स्थान पर नए कानूनों का निर्माण कराए। दूसरी बात जो व्यवस्थापिका के संदर्भ में है, व्यवस्थापिका प्रशासन पर नियंत्रण करती है। कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेचर ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। अध्यक्षात्मक और संसदात्मक, चाहे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे हमारी संसदात्मक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग तरीके से कार्यपालिका और उसके माध्यम से प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण किया जाता है। संसदीय देशों में हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण रखती है। प्रश्न पूछ करके, पूरक प्रश्न पूछ के, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव आदि प्रस्तुत करके करती है। नियंत्रण के इन विभिन्न तकनीकों के माध्यम से व्यवस्थापिका प्रशासन के कार्यों पर नियंत्रण करती है। चूंकि एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका का एवरी मिनिस्टर, प्रत्येक मंत्री किसी न किसी पोर्टफोलियो का इंचार्ज होता है, किसी न किसी मंत्रालय का प्रभारी होता है। व्यवस्थापिका का प्रत्येक सदस्य इस बात को ध्यान में रखता है कि संबंधित मंत्री से उसके डिपार्टमेंट के प्रशासकीय गतिविधियों, उपलब्धियों और असफलता सफलताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इस तरह संसदीय देशों में व्यवस्थापिका कार्यपालिका और प्रशासन के कार्यों पर नियंत्रण करती है। जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो अमेरिका की सीनेट, जो कांग्रेस का उच्च सदन है, राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियों, संधियों को तब तक स्वीकृति प्रदान नहीं करती जब तक वे प्रभावी नहीं हो सकते। अमेरिकी व्यवस्थापिका को युद्ध और शांति की घोषणा करने की भी शक्ति प्राप्त है। तीसरी बात करेंगे विमर्शात्मक कार्य, डेलिबरेटिव फंक्शन। पार्लियामेंट फ्रेंच शब्द पार्ल और मेंट से बना है, जिसका अर्थ ही होता है विचार करने के लिए सभा। तो व्यवस्थापिका को लोकमत अथवा जनमत का दर्पण कहा जाता है। संपूर्ण देश के नागरिकों की इच्छाओं को सम्मिलित रूप से अभिव्यक्ति इसी के द्वारा की जाती है। देश के संपूर्ण वयस्क नागरिकों के द्वारा इसका चुनाव होता है और यह सभा
यह व्यवस्थापिका समय समय पर विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करती है। कैसा प्रशासन कार्य कर रहा है, सरकार क्या कार्य कर रहा है, वित्त आयोग, समाज कल्याण बोर्ड, संघीय लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन पर भी विचार विमर्श करता है। विचार विमर्श करने के लिए जो राष्ट्रीय मंच है वो व्यवस्थापिका ही प्रदान करता है। चौथा इसका कार्य है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर नेशनल फाइनेंस। आधुनिक समय में सभी व्यवस्थापिकाएं अपने देश के वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य करती हैं। व्यवस्थापिका की एक्सेप्टेंस के बिना ना तो सरकार कोई भी टैक्स लगा सकती है और ना ही राष्ट्रीय खजाने से कोई एक्सपेंडिचर, कोई खर्च कर सकती है। भारत में भी संविधान के अनुच्छेद 265-266 में यह प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो सरकार नागरिकों पर कोई कर आरोपित कर सकती है और ना ही राज्य के संचित निधि से कोई व्यय कर सकती है। ऐसी ही संवैधानिक वांछनीयता के अंतर्गत सभी देशों की व्यवस्थापिका देश के वार्षिक बजट को भी स्वीकृति प्रदान करती है। व्यवस्थापिका संसदीय समितियों के माध्यम से भी राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखती है। प्राकलन समिति सरकारी खर्च पर बजट में मितव्यता और अधिक कुशलता के लिए तथा पब्लिक अकाउंट कमेटी देश की सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए गए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर को की बाद में जो है समीक्षा करने का कार्य करती है। पांचवा कार्य है जुडिशियल फंक्शन, न्यायिक कार्य। प्रत्येक प्रजातांत्रिक देश में व्यवस्थापिका कुछ न्याय संबंधी कार्य भी करती है। ग्रेट ब्रिटेन में व्यवस्थापिका का उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड उच्चतम अपील मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। अमेरिका की सीनेट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश, अनेक उच्च अधिकारियों पर, पदाधिकारियों पर लगाए गए महाभियोगों की जांच करता है। व्यवस्थापिका अपने ही सदस्यों तथा सदन के प्रांगण में यदि किसी बाहरी व्यक्ति ने कोई त्रुटि या कोई गलत अपराध कर दिया है जिससे सदन की अवमानना हुई है तो ऐसे समस्त विषयों पर अनुशासनिक और न्यायिक कार्य करने का सर्वोच्च अधिकार रखता है। संविधान में संशोधन का कार्य, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लोकतांत्रिक देशों में व्यवस्थापिका को अपने देश में जो संविधान बना हुआ है, प्रचलित व्यवस्थाओं के अंतर्गत अगर वो पुराने हो जाते हैं तो उसके संविधान में संशोधन करने का अधिकार उसको प्राप्त होता है। भारतवर्ष में संसद संविधान में दी गई व्यवस्थाओं के अनुरूप दोनों सदनों के दो तिहाई बहुमत से संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कर सकती है। यद्यपि संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन किए जाने पर आधे राज्यों की विधानसभाओं की अनुपालना भी आवश्यक होती है। इस प्रकार संविधान में संशोधन की यह शक्ति देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में केंद्रित है। नेक्स्ट है निर्वाचन संबंधी कार्य। सभी देशों की व्यवस्थापिकाएं निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती हैं। जैसे स्विट्जरलैंड की संघीय सभा मंत्रिपरिषद के सदस्यों, न्यायाधीशों तथा प्रधान सेनापति का चुनाव करती है। सोवियत संघ में व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। भारत में संसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का भी निर्वाचन करते हैं। उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा अपने अध्यक्ष का, राज्यसभा अपने सभापति का, उपसभापति का निर्वाचन करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका कुछ महत्वपूर्ण निर्वाचन का कार्य भी करती है। नेक्स्ट है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, यानी कार्यपालिका और मतदाताओं के बीच व्यवस्थापिका एक सेतु का कार्य करती है।
एक लाइजन चैनल बना हुआ है। व्यवस्थापिका के सदस्य एक निश्चित अवधि के लिए जनता की तरफ से अधिकृत होकर शासन की नीतियों का निर्धारण करते हैं। व्यवस्थापिका के ही बहुमत दल के प्रभावशाली और बुद्धिमान सदस्य मंत्री बनते हैं, यानी एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका में उनका स्थान होता है। यही कार्यपालिका देश के शासन के दैनिक कार्यों का संचालन करती है। चुनाव के पश्चात देश की जनता 5 वर्ष तक सरकार पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका ही कार्यपालिका और मतदाताओं के बीच आपसी संबंध बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है अभाव अभियोगों की अभिव्यक्ति। व्यवस्थापिका वह मंच है जहां नागरिकों के अभाव अभियोगों की अभिव्यक्ति होती है। संसद के सदस्य चूंकि जनता के प्रतिनिधि होते हैं, अतः उनका यह कर्तव्य होता है कि वे जिस क्षेत्र से चुन करके आए हैं उस क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं, उनके दैनिक कष्टों, उनके प्रशासनिक शिकायतों, उनके दुख दर्द को व्यवस्थापिका में प्रस्तुत करें। सभी सदस्य इन अभाव अभियोगों को प्रस्तुत कर कार्यपालिका से यह अपेक्षा रखते हैं कि उनके द्वारा जो समस्याएं उठाई गई हैं उनका जनहित में वो शीघ्र ही निवारण करें। नेक्स्ट, जनमत का निर्माण और अभिव्यक्ति। व्यवस्थापिका न केवल लोकमत का प्रतिनिधित्व करती है बल्कि यह लोकमत के निर्माण और अभिव्यक्ति में भी सहायक होती है। व्यवस्थापिका की बैठकों के दौरान भी विचार विमर्श, चर्चा और बहस होती है जो मतदाताओं में व्यापक स्थान मिलता है, समाचार पत्रों में उसको स्थान मिलता है। समाचार पत्रों में प्रकाशित इस विवरण के आधार पर किसी राष्ट्रीय और स्थानीय महत्व के विषय पर लोकमत का भी निर्माण किया जाता है। व्यवस्थापिका के प्रभावशाली सदस्य आधुनिक जनतंत्रीय राष्ट्रों में सभी महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय चेतना जागृत करते हैं। इस प्रकार सभी लोकतंत्रीय देशों की व्यवस्थापिका बहुत सारे कार्यों का निष्पादन करती है। किंतु आज के समय में जब हम देख रहे हैं कि व्यवस्थापिका के इतने अधिक कार्य हैं, किंतु इसके पश्चात भी उसकी शक्तियों में निरंतर कमी आती जा रही है, उसकी शक्तियों में ह्रास होने लगा, उसकी शक्तियों का पराभव होने लगा, डिक्लाइन ऑफ द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, ये सारी चीज़ों पर हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। आज हम केवल कार्यों पर चर्चा करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि YouTube चैनल को देखने के साथ साथ उसको सब्सक्राइब भी करें और जो भी समस्या आती है आपको उस पर अवश्य ही विचार करें और मेरे साथ संपर्क आप कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।